नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। इसी के साथ ही दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे, किसानों की ये दो मांगे मान गई सरकार। पराली जलाना जुर्म नहीं, बिजली बिल भी वापस, जाने 5 घंटे की लंबी बातचीत में और क्या हुआ। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो आज से वाहन प्रदूषण की जांच होगी महंगी, अब ये होंगे नए रेट। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो हर हफ्ते तय होंगे LPG गैस के रेट, सरकार ने कहा पूरी तरह गलत है ये दावा। जरूर जान ले इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए, तोड़ डाला मंदिर, सैकड़ों मुसलमानों ने हिंदुओं की आस्थाओं को रौंदा, हमले से हड़कंप, पूरी जानकारी देंगे वीडियो के साथ, अंत तक बने रहें। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो आज से वाहन प्रदूषण की जांच होगी महंगी, अब ये होंगे नए रेट। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर में बात की जाए, झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा चीन, वुहान के कोरोना मामलों पर अब खुली पोल, दुनिया के सामने आई सच्चाई। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो IRCTC की नई वेबसाइट आज होगी लॉन्च, 1 मिनट में 10,000 टिकट की बुकिंग कर सकेंगे लोग। पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात की जाए तो भारत में कोरोना मरीजों की रीढ़ की हड्डी में फैल रहा नया इन्फेक्शन, डॉक्टर्स ने जताई चिंता। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है, भारत में भी इस संक्रमण से करोड़ों लोग संक्रमित हुए हैं। इस संक्रमण से ठीक हुए ज्यादातर मरीजों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं। COVID-19 से ठीक हुए इन मरीजों को सही तरीके से सांस न ले पाना, बदन टूटना, बुखार आना जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मुंबई के डॉक्टर्स से पता चला है कि कोरोना वायरस से संक्रमित कुछ बुजुर्गों में नए प्रकार का इन्फेक्शन देखने को मिला। ज्यादातर बुजुर्ग मरीजों की रीढ़ की हड्डी में ये इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित 6 बुजुर्ग मरीजों को भर्ती किया गया था। इस दौरान उन्हें रीढ़ की हड्डी में तकलीफ बढ़ने लगी। डॉक्टर्स द्वारा जांच करने पर पता चला कि ये वायरस रीढ़ की हड्डी को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। पूरी जांच प्रक्रिया का पालन करने के बाद इन सभी मरीजों को 4 हफ्ते तक इलाज किया गया। डॉक्टर्स के अनुसार COVID-19 से लड़ने की क्षमता इस इन्फेक्शन के कारण कम होती जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो आज से वाहन प्रदूषण की जांच होगी महंगी, अब ये होंगे नए रेट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आज से वाहनों की प्रदूषण जांच महंगी हो जाएगी। अब 2 पहिया वाहनों के प्रदूषण जांच के लिए 30 रुपए की जगह 50 रुपए देने होंगे। 3 व 4 पहिया वाहन के लिए 40 की जगह 70 रुपए और 4 पहिया डीजल वाहन के लिए 50 की जगह 100 रुपए देने होंगे। परिवहन विभाग ने लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या में इजाफा किया, जिससे लोगों को वाहनों की प्रदूषण जांच कराने में परेशानी ना हो। वर्तमान में लखनऊ में 448 और प्रदेश भर में कुल 1600 प्रदूषण जांच केंद्र हैं। गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने मार्च 2021 तक प्रदेश के हर थाना क्षेत्र में एक एक प्रदूषण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि इसे उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जांच केंद्र के अंतर्गत खोलने की तैयारी है। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, इमरान ने भारत पर निकाली भड़ास। जी हाँ, पाकिस्तान ने अशांत बलूचिस्तान प्रांत में हुए एक हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना ने यह जानकारी दी। सेना ने कहा कि विद्रोहियों ने शनिवार देर रात प्रांत के हरनई क्षेत्र में फ्रंटियर कोर की एक चौकी पर गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इस गोलीबारी में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। इलाके की घेराबंदी करके बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि देश विरोधी ताकतों के समर्थन से दुश्मन ताकतों ने उस पर हमला किया है। ऐसे हमलों के जरिए बलूचिस्तान में कायम शांति और समृद्धि को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री इमरान ने कहा कि हमले में सैनिकों की मौत से वो दुखी हैं। सैनिकों के परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार आतंकियों की हिमायत करने वाले इमरान ने इस हमले का ठीकरा भारत पर फोड़ा और कहा, भारत सरकार के इशारे पर ये हमला हुआ है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारत है। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो किसानों की ये दो मांगे मान गई सरकार। पराली जलाना जुर्म नहीं, बिजली बिल भी वापस, जाने
पाँच घंटे की लंबी बातचीत में और क्या हुआ। जी हाँ, कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच सरकार और किसान यूनियन से बातचीत में सकारात्मक पहल देखने को मिले हैं। किसानों के कई प्रस्ताव में से दो प्रस्तावों पर मोदी सरकार ने अपनी सहमति जता दी है। किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत में बिजली बिल के मसले को सुलझा लिया गया और अब पराली जलाना भी जुर्म नहीं होगा। करीब पाँच घंटे चली बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि पर्यावरण अध्यादेश पर सहमति मिल गई है और ऐसे में अब पराली जलाना जुर्म नहीं होगा और बिजली बिल का मसला भी सुलझ गया है। समाचार एजेंसी के अनुसार सरकार ने बुधवार को MSP खरीद प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन पर एक समिति गठित करने की पेशकश की और बिजली बिल पर प्रस्तावित कानूनों और पराली जलाने से संबंधित प्रावधानों को स्थगित करने पर सहमति जताई, मगर किसान संगठनों के नेता पाँच घंटे से ज्यादा समय तक चली छठे दौर की वार्ता में तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की अपनी मुख्य मांग पर अड़े रहे। अब 4 जनवरी को फिर से वार्ता होगी। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो IRCTC की नई वेबसाइट आज होगी लॉन्च। 1 मिनट में 10,000 टिकट की बुकिंग कर सकेंगे लोग। जी हाँ, ट्रेन से यात्रा करने के लिए ऑनलाइन टिकट की बुकिंग में अब परेशानी नहीं होगी। इसके लिए नई वेबसाइट तैयार हो गई है। 1 मिनट में इस वेबसाइट से 10,000 टिकट्स की बुकिंग की जा सकेगी। फिलहाल 1 मिनट में 7500 टिकट की बुकिंग होती है। बृहस्पतिवार को केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नई वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। नई वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। रेल मंत्रालय का कहना है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC के वेबसाइट और ऐप के अपग्रेड होने से यात्री पहले से ज्यादा टिकट बुकिंग करवा पाएंगे। इस वेबसाइट से यात्री की खान पान समेत अन्य सुविधाएं को भी जोड़ दिया गया है। उल्लेखनीय है कि IRCTC की साइट पर ज्यादा दबाव बढ़ता था तो बार बार हैंग हो जाती थी। तत्काल बुकिंग शुरू होने के साथ ही वेबसाइट स्लो हो जाती थी, जिस वजह से टिकट की बुकिंग नहीं हो पाती थी। इसी समस्या का समाधान निकाला गया ताकि आसानी से ऑनलाइन टिकट की बुकिंग हो सके। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो सावधान, अप्रैल से कम हो जाएगी टेक होम सैलरी, सरकार ला रही नया नियम। जी हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह खबर उन्हें सावधान करने वाली है। दरअसल सरकार अप्रैल 2021 से नए नियम लागू कर रही है। इसके कारण आपके हाथ में आने वाली सैलरी यानी टेक होम सैलरी कम हो सकती है। दरअसल सरकार नए कंसेप्शन नियम लागू करने जा रही है ताकि कर्मचारी अपने भविष्य के ज्यादा पैसे सुरक्षित कर पाए। बता दें कि गत वर्ष केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन भत्तों को लेकर नया कानून बनाया। इसे संसद के दोनों सदनों में मंजूरी मिल चुकी है। अब माना जा रहा है कि सरकार अधिसूचना जारी कर इसे लागू करने जा रही है। इससे कर्मचारियों के हाथों में नकद राशि कम आएगी, लेकिन उनकी भविष्य निधि व ग्रेच्युटी राशि बढ़ती रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा चीन, वुहान के कोरोना मामलों पर अब खुली पोल। जी हाँ, चीन के वुहान शहर में पिछले साल कोरोना वायरस का पहला हमला सामने आया। उस समय दुनिया में किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये वायरस दुनिया भर में तकरीबन सभी देशों को अपनी चपेट में ले लेगा और जमकर तबाही मचाएगा। कोरोना से जुड़े आंकड़ों को छिपाने की वजह से चीन लगातार अमेरिका समेत कई देशों के निशाने पर रहा। उसे संदिग्ध भरी निगाहों से देखा जाता है। अब हाल ही में वुहान में कोरोना से जुड़ी एक ऐसी स्टडी सामने आई जिससे चीन पर झूठ बोलने को लेकर एक और शक गहरा गया है। दरअसल चीनी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई स्टडी में पाया गया कि वुहान के कोरोना के जारी आधिकारिक आंकड़ों से वास्तविक आंकड़े 10 गुना ज्यादा हो सकते हैं। चीनी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की रिपोर्ट में कहा गया कि अप्रैल तक शहर के 11 मिलियन यानी 1,10,00,000 लोगों में से लगभग 4.4% लोगों में COVID-19 पैदा करने वाले पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हुई थी। इस हिसाब से अप्रैल तक वुहान के 4,80,000 लोग संक्रमित हो चुके थे, जबकि आधिकारिक आंकड़ा 50,000 मामलों का है। ये 10 गुना ज्यादा है। इन आंकड़ों से चीन की पोल खुलनी शुरू हो गई। दोस्तों, चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया, चीन ने पूरी दुनिया को खतरे में डाला। इसका बदला लेने के लिए सभी देशों को मिलकर चीन को क्या सजा देनी चाहिए, नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर की बात की जाए तो डाला मंदिर, सैकड़ों मुसलमानों ने हिंदुओं की आस्थाओं को रोका, हमले से हड़कंप। जी हाँ, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के हालात किसी से छिपे नहीं। बुधवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में इसका एक नजारा भी देखने को मिला। यहाँ कोहाट के करक जिले में सैकड़ों की तादाद में पहुंची भीड़ ने एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की और मंदिर के नए पुराने ढांचों को ध्वस्त कर दिया। मौके पर पुलिस भी पहुंची और हालात पर काबू पाया, लेकिन पूरे घटनाक्रम में अभी तक किसी भी गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। लंदन में रहने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता शामा जुनैजो ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा, यह नया पाकिस्तान है, एक हिंदू मंदिर को बर्बाद कर दिया गया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। ये एक शर्मनाक दिन है। वास्तविकता में ये आलोचना के लायक भी नहीं है। इस घटना के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं में डर का माहौल है। साथ ही पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो कितना गिरा हुआ देश है। वैसे दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, निश्चित कमेंट करके बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो पीने की उम्र होगी कम, 25 की जगह 21 में ही छलकेंगे जाम, दिल्ली में शराब बिकेगी खुलेआम।
जी हाँ, दिल्ली और हरियाणा में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से ज्यादा है। हालांकि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ये आयु सीमा 21 साल है। दिल्ली में शराब पीने की उम्र को घटाने की मांग लंबे समय से हो रही है। दिल्ली सरकार शराब पीने की आयु सीमा को 25 से घटाकर 21 साल करने का प्लान कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार राजधानी में ड्राई डे की संख्या भी कम करने जा रही है। आने वाले दिनों में बियर और वाइन शराब के ठेकों के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर से भी खरीदी जा पाएगी। इस तरह शराब के मामलों में तमाम बदलाव आने वाले दिनों में दिखेंगे। सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। अब इस कमेटी ने शराब बिक्री से जुड़े नियमों में बदलाव की सिफारिश की। कमेटी ने अपने सुझावों में शराब पीने की उम्र को कम करना, डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की बिक्री शुरू करना और ड्राई डे की संख्या को कम करना शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो हर हफ्ते तय होंगे LPG गैस के रेट्स, सरकार ने कहा पूरी तरह गलत है ये दावा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैल रही थी जिसमें दावा किया जा रहा था कि अब हर हफ्ते गैस सिलेंडर के बदलाव होंगे, कि हर हफ्ते अब गैस सिलेंडर के रेट्स में बदलाव होगा। अगर आपने भी इस तरह का कोई मैसेज देखा है तो उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये पूरी तरह से फेक है। PIB को जब इस बारे में जानकारी मिली तो सरकार की ओर से इस मैसेज की सच्चाई का पता लगाया गया, जिसमें पाया कि ये दावा पूरी तरीके से गलत है। इसके अलावा इस खबर में कहा गया है कि तेल कंपनियों के अधिकारियों की माने तो कंपनियों को हो रहे घाटे को कम करने के लिए प्लान बनाया गया है। हर महीने समीक्षा के दौरान अगर रेट्स में कटौती होती थी तो कंपनियों को पूरे महीने नुकसान उठाना पड़ता था। वहीं इस नई व्यवस्था के जरिए कंपनियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ऐसा अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है कि गैस सिलेंडर के दाम हर महीने 1 तारीख को ही बदलेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।